हैं नज़ारा मांग कालेश्वर चौराया प्रभु के धाम से, जहां आज पूरे दिन नगर में जय भोले के जयकारे गूंज उठे हैं और अब प्रभु की यात्रा पहुंच चुकी है। भारी संख्या में दर्शनार्थी भव्य प्रसादी का लुफ्त आनंद उठाएंगे, तो बड़ी संख्या में देखें आप आज इस महाप्रसादी का आनंद जो है वो उठाया जाएगा। देखिए कितने हजारों में सब भक्त शिरोमणि बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और प्रसादी प्रसंग में देखिए कितना भव्यता नज़ारा है। और ऐसे नज़ारे अक्सर भोलेनाथ के मंदिर में देखने को हमें मिल ही जाते हैं। जहाँ देखो जहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, बड़ी संख्या में भक्त जाते हुए भगवान महाकालेश्वर जी आज पूरे नगर में भ्रमण यात्रा पर निकले। भगवान आशुतोष की नगरवासियों ने खूब खिदमत की, खूब सेवा भाव, जगह जगह आरती पूजा और फल प्रसाद वितरण किए। हाँ तो देखो ये आ रहे हैं हमारे गुरु के पीछे। पूरे दिन आज भगवान की सुबह से लगाकर शाम तक आज सबसे बड़ा कवरेज हम आपको दिखा पाए हैं। सुबह किस प्रकार से तैयारियां की गई थी और अब सब धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। भारी संख्या में भीड़ बस प्रभु के दरबार में। कैसी रही यात्रा? बढ़िया रहा। हाँ हाँ आनंद आ गया। सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर भजन सुनाए। जय महादेव। आप दर्शनार्थियों की संख्या देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी है। जहाँ भी देखो पूरे मंदिर को सजा दिया दिया है। आरती अभी हो रही है भगवान आशुतोष के दरबार में पहुँच चुके हैं। ये रात का भव्य नज़ारा है। पूरे नगरवासी थक कर हैरान हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमने भी आपको पूरी भगवान की सच्ची भक्ति के साथ एक एक दृश्य दिखाए हैं। देखिए सभी भक्त कुछ थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं क्योंकि पूरा नाच रहा। भगवान को पालकी उठाने में आप जानते हैं कितना वजन है, फिर भी भक्त हारे नहीं और प्रभु के दरबार में, हाँ प्रभु के दरबार में बिल्कुल। तो देखिए किस प्रकार से सभी विराजे हुए हैं, सब आराम ले रहे हैं। पट्टी पर ये तस्वीरें महाकाल मंदिर जयपुर से दृश्य देख पा रहे हैं और भव्य प्रसादी भी हो रही है, उसके भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में जहाँ पे भी आप देखेंगे भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं, मंदिर का ये नज़ारा है। चलिए चलते हैं अब प्रसादी प्रसंग की ओर, जहाँ पर भव्य प्रसादी भव्य भंडारा। भीड़ को आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है। हर व्यक्ति यहाँ पर फोटो ले रहा है भगवान के इस सौंदर्य दृश्य का। ये देखिए हाँ जय हो जय हो। देखो आप कितनी बड़ी संख्या में लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? बस बढ़िया। आगे यात्रा में भी आते? आ जाओ मैंने ही जाओ। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नज़ारा है, बहुत ही भक्तिमय नज़ारा है। कुछ लोग भक्त आते हुए और हमारे देखो वकील साहब कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। अच्छा रहा, बहुत आनंद आया। अद्भुत। आप ही बोलो मुरा को आप रहे ना, मैं बोल ही रही हूँ ना है? मैं बोल रही हूँ ना गुरु बेटा आप आई जाएगा। आप देख पा रहे किस प्रकार से, अब देखो पैर रखने की जगह नहीं है, हजारों संख्या में देखिए पैर रखने की जगह नहीं है। उठती हुई इतनी भयंकर भीड़ पड़ी हुई है महादेव की कृपा से। आनंद भरा नजारा है। एलिगेटर भव्य नजारा यहाँ से देखो
दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ देखूँ, समझ में नहीं आ रहा किधर देखूँ, कैसे देखूँ। कैसे देखूँ, किसे बताऊँ। देखो दृश्य आप देखो, जहाँ देखो जहाँ सुंदर दृश्य है, बाप रे बाप, नजारे इतने। जहाँ देखो जहाँ मैया बैठी हुई है, इतना बड़ा ग्राउंड है। अपने साथ आने वाले छोटे बच्चों को अलग से प्लेट ना लेने दें, छोटे बच्चों को प्लेट में अलग से भोजन नहीं दिया जाएगा। अपने बच्चों को अपने साथ ही भोजन कराएं और भोजन थाली में उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। भोजन खाने के लिए गिराने के लिए नहीं है। इतना ध्यान लग गए हैं सभी सेवा में। क्या बात है, प्लेटें पर प्लेटें, प्लेटों पर प्लेटें, प्रसाद महाप्रसादी का आनंद इधर भी देखो। जय बोले। पूरी लाइन कतार लगी हुई है बोले के प्रसाद के लिए। देखो आप देखो बोले के दरबार में देखिए सभी। सभी आनंदित दृश्य है, सभी देखिए किस प्रकार से बड़े आराम से बैठकर प्रसाद का आनंद उठा रहे हैं। जहां पर भी आप देखोगे नज़ारे आपको तो लगभग 20,000 श्रद्धालुओं के लिए आज प्रसाद बनाया गया है। और जिस संख्या में हमने देखा कि बार द्वार पे दर्शन करें, अभी हजारों लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये नज़ारे भव्य नज़ारे हैं, भगवान महाकालेश्वर आशुतोष के दरबार में दृश्य आप देख रहे हैं। क्या ये भव्य, क्या क्या दिखाऊं। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। क्या क्या दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा किस किस को दिखाऊं। किसको दिखाऊं, सारे भक्त हैं यहाँ तो, सारे भक्ति हैं। किस किस को, वाह भैया बहुत ही जबरदस्त। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आज 20,000 भक्तों के लिए भोजन प्रसाद और बनाने वालों की। यहाँ देखो कितने बड़ी संख्या में बनाने वाली बहनें बैठी हुई है, भाई यहाँ पे मौजूद है। ये देखो कितनी बड़ी संख्या में आप देखें सभी बहनें भोजन बढ़ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में ढाई तीन। हाँ हाँ आऊँ आऊँ। तो बहुत बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं, क्वांटिटी आप देखिए, सब बहनों का एक साथ हाथ चल रहा है और जनता आप देख रहे हैं, भक्त आप देख रहे हैं कितने सारे हैं। पूरा दिन का थकेला हुआ और प्रभु प्रसादी का आनंद। आ हा हा क्या बात है, आ गया आनंद, सीटी बजाई आपने। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आशुतोष के दरबार में आज अच्छा रहा। सभी समिति के मेंबर देखिए सभी बड़े थक गए हैं, सुबह से थक गए हैं, उनकी इंतजार में रो रहा है। कृपया अपने बच्चे को आकर तुरंत संभाले, काजल जी जहाँ भी अपने बच्चे को संभाले तुरंत आकर के। देख पा रहे किस प्रकार से भक्तों का यहाँ पर जबरदस्त ताता लगा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं। भोजन प्रसाद परिषद में उनका बच्चा रो रहा है, उनका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ही सुचारू व्यवस्था है, जगह जगह बेटे आप देखो छोटा बच्चा है, देर के लिए रोक दिया करा है, रोक दिया है थोड़ी देर के लिए जी। क्या कुछ आनंद हो रहा है सर, कुछ 10 मिनट के लिए रोका गया हुआ है भोजन, सब प्रेम से जिम रहे हैं सभी, सभी भक्त आराम से भोजन जिम रखे। शायद 10 मिनट के लिए रुका है, उसके बाद में वापिस काउंटर चालू कर देंगे। ये व्यवस्था बनाए रखे और अपनी अपनी थाली में कोई भोजन प्रसाद के लिए प्लेट की लाइन में लगे हुए बंधु बहन सभी धर्म प्रेमी आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ कोई जूठा न छोड़े, ये प्रसाद है और प्रसाद का आनंद सभी लें। कोई बच्चा गलती से प्लेट लेकर आ जाए तो भोजन परोसना देख पा रहे किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, भीड़ में देखो भीड़ कितनी जबरदस्त है। देखो कतार देखो, यहाँ पे भी देखो आपको
सभी भक्ति भक्त नजर आएंगे और जमीन पूरी गीली हो रही है नीचे, इसका पूरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। क्या क्या दिखाऊं, समझ भी नहीं आ रहा आज तो, इतने सारे कैमरे में भी नहीं मारे हमारे तो, कैमरा भी छोटा पड़ गया। तो देखें दृश्य आप देखना कितना जबरदस्त है। ओह जय महादेव, दृश्य आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या दिखा कैसे दिखाऊं। और हर साल ये भव्य प्रसादी धीरे धीरे एक भक्तिमय होती जा रही है। हाँ दीदी कई कहो आज रो कहो, इतना अच्छा माहौल। हाँ मुंडा पे। हाँ धन्यवाद गोपी जी। हाँ गोपी लाल जी, आज का माहौल इतना अच्छा है कि मतलब इतने श्रद्धालु इस तरीके से मुड़ेंगे, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे को खुद को भी नहीं समझ में आ रहा कि हमारे बच्चे कहाँ है या हमारी महिलाएं कहाँ है, उनको ढूंढने में भी बहुत ही अच्छा माहौल। शुरुआत दौर में तो कम थे। हाँ शुरुआत दौर में तो कम थे, अभी थोड़ी संख्या बढ़ गई है, बहुत ज्यादा ही संख्या बढ़ गई, बहुत खुशी की मतलब भावना है, मतलब कि बहुत खुशी है कि इतनी संख्या बढ़ेगी अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल ये जन समर्थन आप देख रहे हैं, भक्तों का, माताओं का, मैयाओं का, आप सब जन समर्थन बड़ी संख्या में है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर सभी भक्त प्रसादी का जो है लुत्फ आनंद उठाने के लिए सभी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और इस प्रकार दृश्य आप देख पा रहे हैं, जय बोले के नारे आज पूरे क्षेत्र में गूंज उठे थे।